अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं भाई सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार आज का हमारा टॉपिक है कि भाईजान, क्या आप ऑस्ट्रिया में अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लोगे या नहीं करोगे? और जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो या अब्रॉड आने का, कहीं भी जाने का आप सोच रहे होते हो, तो सबसे पहला जो आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन आ रही होती है ना, वो होती है ये। पैसा ही पैसा होगा। और इन रियलिटी कई लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि यार हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, बाहर आना मुश्किल होता है जितना, उतना ही बाहर आके शुरू शुरू में सरवाइव करना, अपने आप को ट्रैक पे लाना, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे ना, स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। और हम भी उस मुश्किल फेज से वैसे तो गुजर रहे हैं, लेकिन मैं वही बात करता हूँ कि इंसान को मोटिवेशन चाहिए होती है, और मोटिवेशन आपको आपके दोस्त भी देते हैं, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करती है, बहुत कुछ होता है, बट आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पड़े हो अपने बेड पे और इधर सोच रहे हो जी कि क्या मैंने ये स्टेप सही लिया है बाहर आने का, या इन फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। बंदा बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, बट सबसे ज़्यादा अपना दिल बड़ा रखना है, जिगरा बड़ा रखना है, क्योंकि भाई स्ट्रगल है। अब ये भी मैं नहीं कहता कि भाई हर एक को स्ट्रगल के थ्रू गुजरना पड़ता है, हर एक के लिए, मतलब वो बंदा कहता है ना कि पत्थर पे लकीर है कि भाई जो भी बाहर आएगा उसके लिए स्ट्रगल होगी, तो ऐसी बात भी नहीं होती। लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं, और वो लोग होते हैं जिनके ऑलरेडी रेफरेंसेज होते हैं, ऑलरेडी कोई यहाँ पे सेट होता है, तो उनको इतनी मुश्किल नहीं होती। बट ये है कि जिसका कोई नहीं होता, ज़्यादातर आपको तो नहीं पता आप कौन सी कंट्री में जाओगे, और अगर आप यहाँ का सोच रहे हो जैसे मैंने सोचा, तो यहाँ पे कोई जानने वाला था ही नहीं, तो शुरू शुरू में स्ट्रगल होती है, ठीक है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये फेज़ गुजर जाता है, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है, और अपने आप को फिर एंगेज भी रखना पड़ता है, सिर्फ सोचों में ना रहो, क्योंकि जब बंदा सोचों में रहता है बहुत ज़्यादा, तो फिर बंदा डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो यार आज का जो टॉपिक है वो है कि जी क्या आप एक्सपेंसेस मैनेज कर सकोगे बीइंग अ स्टूडेंट। तो यार जैसे मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि बैचलर्स वालों को 10 आवर्स अलाउ हैं लीगली यहाँ पे काम करना, और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ होता है तकरीबन 20 घंटे। लेकिन मैं AMS पे जब अपनी एप्लीकेशन मैंने दी थी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब की, तो मैंने वहाँ से पूछा था, तो मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट पे भी होता है, और एम्प्लॉयर से मैंने कहा तो एम्प्लॉयर भी ये कहते हैं कि जब वो रिक्वेस्ट कर देते हैं खुद ही इस बंदे को कि जी इसको आप मेल्ड कर लो इतने घंटे, तो वो कर देते हैं। जैसा कि इवन के ऐसी एग्जाम्पल्स भी आई हैं कि मास्टर के स्टूडेंट, उनको 40 घंटे लीगली काम करना अलाउ, वो कैसे, वो मतलब उनके एम्प्लॉयर ने रिक्वेस्ट की AMS को, और AMS वालों ने उसको 40 घंटे में मेल्ड कर दिया, तो वो इजीली वो भी कर देते हैं। और लेकिन ये डिपेंड करता है यही कि आपके एम्प्लॉयर पे, अगर वो आपका एम्प्लॉयर आपके साथ फ्रेंडली है और वो जो है स्टार्ट में ही आपको कहता है कि ठीक है मैं आपको ज़्यादा काम देना चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ AMS में, तो कर सकता है। बाकी उसके साथ अगर वो 20 घंटे भी मेल्ड करवाता है और उसको चाहिए ज़्यादा, तो वो बाद में आपके साथ कमिटमेंट कर सकता है कि हाँ जी 20 घंटे की पे मैं जो है वो आपको अकाउंट में दे दिया करूँगा, और बाकी जो है वो ऑन कैश भी दे सकता है। बट यह है कि ये छुप के, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, बट यह है कि इस तरह की बातें ज़्यादातर बताते नहीं हैं, ठीक है। और बाकी यार एक्सपेंसेस मैनेज करना, सबसे पहले आपने एक्सपेंसेस को ये देखना है कि हैं कौन से और कम से कम रखने, ख़ास तौर पे रेंट का मेन एक्सपेंस होता है, तो रेंट ख़ास तौर पे जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं यार, वो लोग पूरी कोशिश करें कि यार शेयर्ड में रहें, ठीक है। वैसे तो शेयर्ड में सबको मेरे ख्याल में शुरू शुरू में रहना चाहिए, आप खर्चे बचाओ। अभी इवन दो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, मतलब उनको 450 तक जो है वो नॉर्मल एक रूम मिल रहा है, मिल तो सिंगल रूम रहा है, लेकिन एक जो उनको रूम मिलता है वो स्टार्ट में ही 450 का मिल रहा है। तो अकोमोडेशन के मसले मसाइल होते हैं, और शुरू में जब भी आपको अकोमोडेशन मिलती है ना, उसका कोई पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट ना ले लेना, आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लो 6 महीने का, यानी कि आपका एक सेमेस्टर उसमें निकल जाए, ठीक है। और क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लंबा हो, फिर आप जब छोड़ते हो, छोड़ना चाहते हो पहले, तो फिर आपको जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो वापस नहीं मिलता, उसमें पंगे होते हैं। तो
तो कोशिश करो कि ना बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो आपका लंबे टाइम के लिए, और बहुत कम टाइम के लिए भी ना हो, लेकिन दरमियान में हो, 5 या 6 महीने का आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ताकि आप जब यहाँ पे हो थोड़ा सा सेट हो जाओ, थोड़ी सी आपका नेटवर्क बन जाए दोस्तों के साथ, तो फिर आप लोग मूव भी कर सकते हो, या फिर आप उसी ही डॉर्म जिसमें रह रहे हो उधर ही आपको पता चल जाएगा, तो उधर कोई भी रूम खाली होता है ना जो आपको सस्ता पड़ रहा होता है उधर मूव कर जाओ, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो खर्चे कम कर लो, खास तौर पे रेंट वाले, क्योंकि ग्रोसरी का जैसे मैंने कहा कि इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, अगर एक बंदा खुद कुकिंग कर रहा है और हर चीज़ें खुद करता है, और कभी कभार वो बाहर से कुछ खा लेता है, तो उसका राउंड अबाउट 150 यूरो मैक्सिमम जाएगा, 200 यूरो तक खर्चा, ठीक है, मंथली। और आपकी जो अर्निंग हो रही होती है, अगर आप 20 घंटे कर रहे हो, और वो भी जस्ट लाइक जॉब्स के, नॉट फूड डिलीवरी जॉब्स, क्योंकि उनमें आप 1000-1100 कमा लेते हो, बट अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, जिस तरह मैंने कहा था, कोई भी जिस तरह मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग, ETC, जिस टाइप के भी रेस्टोरेंट हैं, फास्ट फूड के हों या दूसरे हों, तो अगर आप उनमें करते हो, तो उनमें आपका जो टैक्स के साथ, यानी कि जो ग्रॉस पे आपकी बनती है, वो लगभग 850 के करीब बनती है, और उसमें से जब आप टैक्स निकालो, जो आपकी नेट इनकम बनती है, वो तकरीबन 750 के करीब बन जाती है। तो 750 में आपका आराम से गुजारा हो जाएगा, और आपके एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाएंगे, आपका रेंट भी हो जाएगा, अगर रेंट ज़्यादा भी है, लेकिन फिर भी ये है कि रेंट कम हो तो ज़्यादा अच्छा, ताकि कुछ सेविंग्स हो जाएं, और जब सेविंग्स होगी तो आपके लिए कहीं ना कहीं पे काम आ जाएंगी। तो ओवरऑल आपका जो है वो एक्सपेंसेस मैनेज हो सकते हैं भाईजान, जो लोग भी आते हैं यहाँ पे, लाजमी बात है वो एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं तो रह रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं रह रहे। बहुत कम होते हैं जो कहते हैं यार बस घर से मंगवाएंगे, वो थोड़ा ज़्यादा मम्मी डैडी टाइप लोग, लेकिन घर से जब आप आ रहे हो, मुझे पता है हर एक बंदा इसी स्टेज पे होता है, वो कहता है कि मैंने घर से नहीं मंगवाने, और ना वो मंगवा सकता है, और जैसे आप हालात हैं, 300 रुपये यूरो टच हो रहा है, तो खुद सोचो पाकिस्तान से पैसे मंगवा के उल्टा एक पाकिस्तान के ऊपर और तुम लोगों ने बम भी मारना है, और अपने घर वालों पर भी, तो ये फिर जब बंदा यहाँ पर आता है ना, खुद ही स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल की फेस बहुत लोगों के पास आते हैं, और पूरी कोशिश करो कि यार अपना आप नेटवर्क बनाओ लोगों के साथ, क्योंकि मैंने यार यहाँ पे देखे हैं बहुत अच्छी चीज़ें उनके लिए, खसूसन वो लोग जिस तरह तुर्किश हो गए या और कंट्रीज़ के लोग, उनकी यहाँ पे आपस में ऐसी बॉन्डिंग बनी हुई है ना, लोगों की कम्युनिटीज़ बनी हुई है प्रॉपर, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, मिलते रहते हैं आपस में, उनके साथ जो है वो फैमिलीज़ की गैदरिंग होती रहती है। पाकिस्तानियों को तो मैंने नहीं देखा यहाँ पे ऐसे कुछ सीन, ठीक है, यहाँ पे हम दोस्त हैं यार ही हैं, जो बस कभी कभी गैदरिंग कर लें और आपस में रब्ता रख लें, ठीक है, और ये बहुत चीज़ ज़रूरी भी है, ठीक है, एक दूसरे के साथ इन टच रहो, ये नहीं है कि बंदा आता है और मतलब बस गुम ही हो जाए, किसी के साथ रब्ता भी ना हो, ऐसे भी चीज़ नहीं, एटलीस्ट रोज़ हाल अहवाल पूछ लो, अपडेट लो, भाई क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, हम लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, चाहे किसी के हालात अच्छे हों या चाहे किसी के माड़े हालात हों, एक दूसरे के साथ रबते में, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग जो है ना, आपके सर्वाइवल के जो है चांसेस वो बढ़ाती है, और आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो, और अकेले हो गए तो फिर अकेले में मसले मसाए होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यार पाकिस्तानी कम्युनिटी, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तानी लोगों के साथ अच्छा नेटवर्क बना लो शुरू शुरू में, और ताकि आपको शुरू में, वैसे तो और जॉब्स वो आपको ऑफर करेंगे, लेकिन ये है कि आपने करनी पड़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब होती हैं, फिर भी यार आपके खर्चे बच्चे सारे कुछ निकल जाते हैं, ठीक है, तो शुरू शुरू में जो है आपने ये नेटवर्क क्रिएट करने हैं, और बाकी जो मैं स्किल्स में कहता हूँ, स्किल्स में सबसे मेन स्किल लैंग्वेज, ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ने यार मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया था, वो इवन दो उनको इंग्लिश भी नहीं आती, अब जब इंग्लिश भी नहीं आती, इसके अलावा आपको जर्मन वैसे नहीं आती, तो ये तो भाई बहुत पंखे ख़राब हैं, आप तो फिर समझ लो कि यू आर इन अ सीरियस ट्रबल। कोशिश पूरी करो कि ये दो लैंग्वेजेस तो आपको आती हो ना, इंग्लिश और जर्मन, ठीक है, इंग्लिश तो मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपके काम आ सकती है, अगर आपको जर्मन नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास ऐसा टाइम है कि आप प्रोसेस अभी स्टार्ट किया हुआ है या प्रोसेस के दौरान हो, तो भाई जर्मन साथ साथ सीखना स्टार्ट कर दो, अगर इंग्लिश भी आती है आपको, अगर इंग्लिश नहीं आती तो भाई दोनों लैंग्वेज के ऊपर काम करो, क्योंकि फिर आपका यहाँ पे सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो लैंग्वेज मस्ट है, और बाकी जो स्किल्स हैं लाइक किचन की स्किल्स हो गई, ये स्किल्स हो गई, वो भी आपको आनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये लैंग्वेज की स्किल बिल्कुल मस्ट है,
और उसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस ये ले लो और इंटरनेशनली इसको कन्वर्ट करवा लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। ये भी आपका यहाँ पे यूटिलाइज होगा, किसी न किसी तरीके से आपको फ़ायदा देगा और लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देगा जब आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट करवा लोगे। तो ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, ये करो। और द लास्ट लास्ट ये है कि आप अच्छा बैकअप लेके आ जाना जब पहली बार आ रहे हो, क्योंकि यार कुछ स्टूडेंट्स हैं मुझे कह रहे थे कि जी हम 1500 ला रहे हैं कि ये काफ़ी होगा। तो मैंने कहा यार 1500, अब मैंने उनसे पूछा रेंट कितना है, तो कोई कहते हैं 400 रेंट है, 450 रेंट है। मैंने कहा यार खुद सोचो, जब आपने आना है, आपकी ठीक है पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसकी आपकी फ़ीस तो थोड़ी सी होती है, बट थोड़ी सी भी कितनी होती है, 700 यूरो। अब 700 यूरो उस 1500 में से वो फीस दे देगा और उसके बाद आपका रेंट भी आ जाएगा, पीछे फिर क्या बचेगा आपके पास। और 2 महीने तो एटलीस्ट आपके लग जाते हैं कोई जॉब ढूंढने में, ठीक है, 1 महीना या 1.5 महीना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में। फिर आप अगर शुरू में ही आके जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हो तो फिर भी आपका राउंड अबाउट 1.5 से 2 महीने लग जाता है। और आपने कम से कम अपना बैकअप रखना है, 3 महीने का तो कम से कम रखना है और 4 महीने के भी रखो। तो पैसे कितने लाओ साथ में, पूरी कोशिश करो कि यार कम से कम 3500 यूरो लेके आओ साथ में। अगर इसमें से बच गए तो आपकी सेविंग है ना, ठीक है, और इन केस ना बचे तो वो तो अलग बात है, लेकिन थोड़े से आपके बच जाएंगे अगर आपके हालात शुरू शुरू में वर्स भी रहते हैं, कि मतलब आपको जॉब नहीं मिल रही या स्ट्रगल कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और मैनेज नहीं हो रही। तो कोशिश करो कम से कम 3500 यूरो ले के आओ, ज़्यादा ला सकते हो तो ऑन एवरेज 4000 यूरो बंदे को लाने चाहिए, क्योंकि आपने हिसाब लगाना है कि यार एटलीस्ट अगर मुझे 4 महीने भी मैंने जॉब स्टार्ट ना की, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल जॉब मिल भी गई है तो ये नहीं होता कि एक एम्प्लॉयर आपके लिए रेडी हो गया कि हाँ जी मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, वो पहले अप्लाई करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट आते आते 3 हफ्ते या 1 महीना गुजर सकता है, ठीक है, तो उस महीने का भी तो आपको बजट चाहिए ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपना बैकअप रखो, ठीक है। तो ओवरऑल आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, शुरू में स्ट्रगल होगी एज यूजुअल, सबको होती है, और लकी वो होते हैं जिनको शुरू में स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ता। वो इसलिए नहीं करना पड़ता कि भाई उनका कोई ना कोई किसी के साथ लिंक होता है, या उनको शुरू शुरू में अच्छे लोग मिल जाते हैं और सपोर्ट करने वाले, और जो कहते हैं कि चलो जी डायरेक्ट आ रहा है बंदा, इसको हम काम पे लगा दें, तो ये होता है। तो मिलते हैं फिर, चल अगली वीडियो में। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ों को पता चला होगा, और मेक श्योर टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।